स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. आई एम वैष्णवी बोरबा टू रिप्रेजेंट हियर. वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस जीएस एकेडमी. आई होप स्टे सेफ एंड हेल्थ. लेक्चर थर्ड, पार्ट थर्ड, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. स्टूडेंट्स, वी लर्नड अबाउट द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स टाइप एंड इट्स यूजेस. सो ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, सम अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस सम अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. अब हम लोग कंप्यूटर के कुछ अलग पार्ट पढ़ते हैं जो कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, लेकिन हमारे कुछ मेनली फोर पार्ट्स होते हैं, लाइक एज अ मोनिटर, माउस, कीबोर्ड एंड सीपीयू. ये हमारे मेनली फोर पार्ट्स होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर में अटैच होते हैं, यानी कनेक्ट होते हैं. नाउ वी डिस्कस, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, CDS. यानी CDS का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क. हेलो स्टूडेंट्स, तो CD इज यूज टू स्टोर द वर्क व्हाट वी डू ऑन अ कंप्यूटर. CD मींस क्या होता है, CD किस लिए यूज़ किया जाता है. CD का प्रयोग हम लोग कंप्यूटर में इसलिए करते हैं, जो भी हमारा डाटा है उसको हमारा काम करने पर इसको यानी इसमें रख सकता है, यानी जो भी हम लोग को डाटा सेव करना होता है या फिर हम लोग को रखना होता है उसमें, तो हम लोग ये इसका यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज्ड बाय इंसर्टिंग इट इन अ CD-ROM ड्राइव. ये हम लोग CD-ROM ड्राइव, यानी एक जो हम लोग की CD कैसेट देखते हैं, पहले ज़माने में ये सब बहुत ज़्यादा चलता था, CD कैसेट अभी भी चलता है, लेकिन क्या चिल्ड्रंस, हम लोग अगर पहले भी यूज़ करते थे CD, आप लोग भी यूज़ करते हैं CD, बहुत से लोगों क्या CD का यूज़ करते हैं. इसमें हम लोग की बहुत सारी मूवी भी होती है और हमारी कुछ फाइल्स भी होती हैं, तो इसको हम लोग CD-ROM ड्राइव में भी रख सकते हैं और इसको बाहर भी यूज़ कर सकते हैं. CD-ROM ड्राइव इज़ इनसाइड द CPU बॉक्स. जो CD-ROM ड्राइव है वो हम लोग CPU बॉक्स के बाहर भी निकाल सकते हैं, यानी उसको रख सकते हैं. नाउ चिल्ड्रंस, लेट्स सी द फिगर. ये देखिए चिल्ड्रंस, ये क्या है, CDS. ये CDS है आपका, है ना, और इसको हम लोग बाहर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं और अनदर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं. ओके चिल्ड्रन, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, पैन ड्राइव. पैन ड्राइव को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PDB कहते हैं. पैन ड्राइव इज़ यूज टू स्टोर द वर्क व्हाट वी डू ऑन अ कंप्यूटर. पैन ड्राइव का मतलब ये होता है, जो भी हम लोग का डाटा या फिर हम लोग जो भी कंप्यूटर पर करते हैं, तो वो सब हमारा PDB में भी सेव हो सकता है, या फिर हम लोग उससे जो भी हमारा सेव हुआ वर्क होता है, तो हम लोग उसमें CD में कंप्यूटर में ऑन करके भी देख सकते हैं. इट इज़ यूज्ड बाय पुटिंग इनसाइड ए USB पोर्ट. इसका हम लोग बाहर किसी भी USB पोर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, कर रखते हैं हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें भी अपनी स्टोर करके रखते हैं, फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस एक्सेट्रा. USB पोर्ट इज़ इनसाइड इन द CPU बॉक्स. जो USB पोर्ट होता है वो CPU बॉक्स के बाहर लगा होता है. लेट्स सी द PDB. हम लोग पेन ड्राइव को देखते हैं, पेन ड्राइव कैसा दिख रहा है. इसमें आगे से क्या है, इसमें CPU बॉक्स होता है, यानी जो आपका CPU होता है उसमें से इसका एक ऑप्शन होता है बाहर, यानी छोटा सा सर्कल टाइप में, यानी रेक्टेंगल टाइप में होता है, उसमें हम लोग इसको पुट कर देते हैं. ओके चिल्ड्रन, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क यूज टू स्टोर द वर्क व्हाट वी डू ऑन ए कंप्यूटर. हार्ड डिस्क में हम लोग बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं, जो भी हम लोग कंप्यूटर में वर्क करते हैं या फिर जो भी हमारी चीज़ें इसमें एक्सेट्रा होती हैं, वो सब हम लोग हार्ड डिस्क में भी रखते हैं. तो इट इज़ ए फिक्स इन साइड द CPU बॉक्स. ये हमारी CPU बॉक्स के बाहर ही होती है. देखिए, लाइक लेट सी द फिगर. ये क्या है, हार्ड डिस्क. ये क्या है चिल्ड्रंस, हार्ड डिस्क. ओके चिल्ड्रंस, आई होप अंडरस्टैंड. सो नाउ स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज. अब हम लोग एक्सरसाइज में पढ़ते हैं, आपकी रीडिंग वाली चीज़ फिनिश हो गई है. सो नाउ सम ओरल क्वेश्चन आस्क्ड. ओके चिल्ड्रंस, हाउ मैनी पॉइंट्स डज कंप्यूटर हैव. कंप्यूटर के पास कितने पॉइंट्स होते हैं. मेनली फोर होते हैं. कौन कौन से होते हैं, इन विच फर्स्ट होता है चिल्ड्रन मॉनिटर. बस हाउ मैनी पूछा गया है, तो आप ओनली फोर बता देंगे. ओके चिल्ड्रंस, मॉनिटर होता है, CPU, माउस एंड
कीबोर्ड, ये हमारा मेनली 4 पार्ट होते हैं। ओके चिल्ड्रंस, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन आस्क्ड, विच इज आल्सो कॉल्ड द विजुअल डिस्प्ले यूनिट। बताइए ऐसा कौन सी चीज़ है जिसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है VDU। सो चिल्ड्रन, राइट आंसर इज मॉनिटर। मॉनिटर इज आल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके चिल्ड्रंस, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU? CPU का फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताया था चिल्ड्रन? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके चिल्ड्रंस, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उसमें आपको एक टिक करना है, यानी सही आंसर बताना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, इट हेल्प्स टू टाइप लेटर एंड वर्ड्स। ऐसा बताना है कि ऐसा क्या चीज़ है जो हमारी मदद करता है लेटर्स लिखने में, यानी वर्ड लिखने में, और सब बताइए फंक्शन की, नंबर की, या फिर अल्फ़ाबेट की। लेटर्स लिखना होता है या फिर वर्ड्स लिखना होता है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं चिल्ड्रंस? अल्फ़ाबेट की। तो राइट आंसर इज अल्फ़ाबेट की। ओके चिल्ड्रंस, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इट हेल्प्स टू टेक प्रिंट आउट। ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम लोग सहायता, जिसकी सहायता से हम लोग प्रिंट आउट करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज प्रिंटर, सेकेंड वन ऑप्शन इज स्कैनर, थर्ड ऑप्शन इज वेब कैमरा। तो राइट आंसर इज प्रिंटर। तो प्रिंटर से ही हम लोग तो अपनी प्रिंट करते हैं, जो भी हमारी फाइल्स होती हैं या फिर जो भी हम लोग का जीरोक्स होता है उसी से तो प्रिंट करते हैं। ओके चिल्ड्रंस, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इट कैन कीप द कंप्यूटर ऑन व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही आपको चीज़ बतानी है जहाँ पर आपको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंप्यूटर में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें हम लोग जब लाइट नहीं होती है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर चलाने के लिए? CPU, स्कैनर या UPS? राइट आंसर इज UPS। UPS ही तो था, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, तभी तो हम लोग उसका यूज़ करते हैं जब लाइट नहीं होती है। ओके चिल्ड्रंस, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इट हेल्प्स टू ड्रॉ पिक्चर्स। अब आपको बताना है ऐसी कौन सी चीज़ है जो जिसकी सहायता से हम लोग पिक्चर्स को ड्रॉ करते हैं कंप्यूटर पर? माउस, कीबोर्ड या फिर प्रिंटर? प्रिंटर मतलब प्रिंट करते हैं, कीबोर्ड मीन्स यानी टाइप लेटर्स, माउस मतलब माउस की सहायता से तो हम लोग सारी कुछ करते हैं। तो राइट आंसर इज माउस। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली स्थान की पूर्ति करना है। डैश 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 इज एन इनपुट डिवाइस। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनपुट डिवाइस है? कंप्यूटर। कंप्यूटर को हम लोग टच कर सकते हैं, तो कंप्यूटर इज एन इनपुट डिवाइस। ओके चिल्ड्रंस, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो पॉइंटिंग है? माउस। माउस ही हमारा, माउस में जो कर्सर होता है वो कैसा डिवाइस होता है? पॉइंटिंग डिवाइस। क्या होता है? पॉइंटिंग डिवाइस। तो राइट आंसर इज माउस। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डैश 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 इज यूज फॉर प्लेइंग गेम्स। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें हम लोग गेम खेलते हैं? कंप्यूटर। कंप्यूटर में ही तो हम लोग गेम खेल रहे होते हैं चिल्ड्रंस। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? कंप्यूटर। इट इज डैश 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 इज यूज टू टेक लाइव फोटोज एंड वीडियो। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें हम लोग अपनी लाइव फोटोज देख सकते हैं या ले सकते हैं और वीडियो भी बना सकते हैं? कैसी क्या चीज़ है बताइए चिल्ड्रंस? मिनी कंप्यूटर। क्या होता है चिल्ड्रंस? या कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर। तो ऑप्शन में आपका यही रहेगा। ओके चिल्ड्रंस, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश डैश डैश
यहाँ पर आप मिनी भी लिख सकते हैं, ए मिनी कंप्यूटर इज यूज टू टेक लाइव फोटोज एंड वीडियो। द डैश 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 हेल्प्स यू टू रिकॉर्ड यू साउंड इन टू द कंप्यूटर। किसकी सहायता से हम लोग आप रिकॉर्ड कर सकते हैं कोई भी चीज़ को, या अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं या साउंड को रिकॉर्ड सकते हैं कंप्यूटर पर। तो मैंने आपको बताया था, क्या था वो चिल्ड्रंस, माइक्रोफोन। ओके चिल्ड्रंस, आई होप अंडरस्टैंड्स। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग इमेजेस विद देयर नेम, यानी मिलान करना है जो भी आपको पिक्चर दी गई है उनके नाम से। ओके चिल्ड्रंस, तो फर्स्ट वी रीड इट। रिकॉर्ड वॉइस ऑन कंप्यूटर, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें हम लोग रिकॉर्ड वॉइस करते हैं। अभी मैंने आपको आंसर बताया था, अब इमेज को देखिए। क्या ये तो क्या है, CPU। दिस इज अ कॉल्ड पेन ड्राइव। दिस इज अ UPS। दिस इज अ CD-ROM। दिस इज अ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में ही तो हम लोग अपनी चीज़ को क्या करते हैं, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं। तो आप यहाँ पर इसको मैच कर दीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट। CPU। CPU मैंने कहाँ बताया आपको, ये दिस इज अ CPU। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। CD-ROM, यानी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है चिल्ड्रंस, रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली CD-ROM अभी मैंने बताया था, जो कि कंप्यूटर से इंसर्ट भी हो जाता है। तो कहाँ पर है ये, दिस इज अ CD-ROM। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोवाइड पावर टू कंप्यूटर। प्रोवाइड पावर टू कंप्यूटर क्या करता है, यानी जो एनर्जी देता है, यूज UPS। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज USB पोर्ट। तो USB पोर्ट कहाँ है आपका, पेन ड्राइव। ओके चिल्ड्रंस, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशीट। ये चिल्ड्रंस आपको वर्कशीट दी गई है। आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर एंड राइट देयर नेम। आपको कई सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपको दिए गए हैं, जो आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, वो आपके उसका नेम लिखना है। फर्स्ट वन ये क्या है, इसका नेम लिखना है। सेकेंड वन इसका नेम लिखना है, मैंने आपको सभी के बारे में बताया है। दिस इज़ अ कॉल्ड एंड दिस इज़ अ कॉल्ड एंड दिस इज़ अ कॉल्ड। ओके चिल्ड्रंस, आई होप अंडरस्टैंड दिस चैप्टर्स। ओके चिल्ड्रंस, बाय बाय, टेक केयर।